अंतर्राज्य वाहन चोर गैंग का नोएडा पुलिस ने किया पर्दाफाश। आपको बता दें कि पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के कुशल नेतृत्व में नोएडा पुलिस ने एक अंतर्राज्य वाहन चोर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10 लग्जरी, 2 लाख रुपए, 4 स्कैनर, 74 वाहनों की चाबी, फर्जी मीडिया स्टिकर, कार ड्रिल मशीन आदि सामान बरामद हुए। जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है, इधर काफी गाड़ियां वाहन जो है वो चोरी की घटनाएं हुई थी, और उसमें एक जो ट्रेंड ये देखा गया था कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं, फॉर्चूनर, नोवा वगैरह, इस टाइप की गाड़ियां चोरी हुई थी। हम लोगों की जो टीम है वो लगातार प्रयासरत थी इस चोरी के गैंग का खुलासा करने के लिए, और थाना 58 की टीम को सफलता एक बहुत बड़ी प्राप्त हुई है, जिसमें 10 गाड़ियां हम लोगों ने रिकवर की हैं, जिसमें 4 फॉर्चूनर हैं, 3 स्विफ्ट हैं, 1 डस्टर है, होंडा सिटी है, क्रेटा है, और ये गाड़ियां अभी इसमें से कुछ कनेक्ट हो गई हैं हमारे यहाँ से जो उठी हुई हैं। कुछ गाड़ियां इसमें ऐसी हैं जो दिल्ली से इन लोगों ने चोरी की थी। इसमें कुल 8 अभियुक्त हमारी टीम ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से अगर मैं कहूँ इनका जो मेन जो कार्य क्षेत्र था या इनका जो मेन गाड़ी जहाँ से ये लोग उठाते थे वो दिल्ली NCR का इलाका था। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो इन्होंने चोरी की हैं, अब तक इन्होंने दर्जनों गाड़ियाँ चोरी ये लोग कर चुके हैं, ज़्यादातर नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली, जो NCR वाला ये एरिया है, इसी से ज़्यादातर ये लोग गाड़ियाँ चुराते थे। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू जो निकल के आया वो ये कि ये जो गैंग है बेसिकली इंटरस्टेट गैंग है, इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं, इंटरस्टेट गैंग है, और जो ये 8 अभियुक्त पकड़े गए हैं इसमें से एक गुजरात का भी है, जो एक व्यक्ति एक पकड़ा गया है मूलतः रहने वाला कश्मीर का है, लेकिन उसका बेटा गाड़ी का काम, इसी तरह की चोरी की गाड़ी खरीदने का काम अहमदाबाद में रह के कर रहा है, उसका फादर है जो यहाँ गाड़ी रिसीव करने के लिए आया था। इसके अलावा कुछ लड़के दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, तो इस तरीके से ये एक इंटरस्टेट गैंग है, और अभी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फरार हैं, जिन लोगों की तलाश में हमारी टीम लगी हुई है। जो मोडस ऑपरेंडी अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है वो ये कि ये लोग NCR से जो भी ये गाड़ी उठाते थे, मुख्यतः मतलब और भी जगह जाती होंगी, बट मुख्यतः जो ये गाड़ियाँ सप्लाई करते थे इम्तियाज़ और इलियास, ये दो लोगों के थ्रू इनको वहाँ से फॉर्चूनर सपोज़ अगर है, आपने मैंने प्रेस नोट में पूरा डिटेल दिया भी है, तो वहाँ से वो लोग कोई एक्सीडेंट की गाड़ी खरीद के या जो उस तरह की गाड़ी है जो पुरानी हो गई है, तो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स वो इनको व्हाट्सएप पे शेयर करते थे। काशीपुर का भी इसमें एक मुलजिम है रियाजुद्दीन नाम का, जिसकी शॉप पे ये लोग जाके उसका पूरा इंजन नंबर, चेसिस नंबर चेंज कराते थे, और जो रजिस्ट्रेशन के कागज़ वगैरह तैयार करके, उसका कार्ड तैयार करके ये लोग इस गाड़ी को यहाँ से गुजरात भेज दिया करते थे, और जहाँ से वो फर्दर देश के विभिन्न हिस्सों में गाड़ियाँ जाया करती थी। तो कुल मिला के जो इनका ये पूरा एक रैकेट है, इसमें गाड़ी चोर भी हैं, गाड़ी खरीदने वाले भी हैं, और गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने वाले भी हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू जो आप लोगों ने बरामदगी के विवरण में देखा होगा कि इनके पास से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्राप्त हुई हैं, जिसको स्कैनर टैप टूल ये लोग कहते हैं। उस स्कैनर टैप टूल की मदद से ये जो गाड़ी है, इसमें एक हसन एक लड़का है जो कि गाड़ी का शीशा तोड़ने में एक्सपर्ट था, कुलदीप और उसके दो साथी ये लोग जाते थे, और ये जो है कुलदीप, बेसिकली ये जो स्कैनर टैप टूल है इसकी मदद से वो उसकी की तैयार करता था, और विद इन मिनट्स ये लोग वो गाड़ी का लॉक खोल के उस गाड़ी को लिफ्ट कर लेते थे। तो ओवरऑल इनके पास से काफ़ी मात्रा में विभिन्न गाड़ियों की चाबियां भी बरामद हुई हैं, लगभग 74-75 गाड़ियां चाबियां जो हैं इनके पास गाड़ियों की बरामद हुई हैं, कई सारे टूल्स बरामद हुए हैं, उसका पूरा विवरण आपको प्रेस नोट में दिया गया है, और ये निश्चित ही उल्लेखनीय है कि हमारी टीम ने काफ़ी
प्रयास के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद इस गैंग को बहुत अच्छे सफल तरीके से वर्कआउट किया है। आगे भी जो इनके मेंबर्स अभी बाकी हैं उनके लिए हमारी तलाश जारी रहेगी और टीम को जो है इस अच्छे कार्य के लिए, इस सराहनीय कार्य के लिए 50,000 रुपये के रिवॉर्ड से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये ऑन डिमांड भी होती थी चोरी? हाँ, ये ऑन डिमांड भी चोरी होती थी। इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया, मुख्यतः आपने देखा होगा कि फॉर्चूनर ज़्यादा हैं, तो फॉर्चूनर, क्रेटा, ये दो गाड़ी मुख्यतः जो कहें कि ज़्यादा शायद डिमांड में रहती थी। और वो गाड़ी जो उठ के आती थी वो ये अपडेट करते थे कि हमारे पास कौन सी गाड़ी है। अगर फॉर्चूनर है तो वहाँ से वो उस गाड़ी की डिटेल्स भेजते थे, या अगर क्रेटा है तो क्रेटा जो कोई पुरानी हो गई हो या कोई एक्सीडेंट वाली गाड़ी हो तो उसकी डिटेल्स इनको शेयर करते थे कि इस गाड़ी के या इस रजिस्ट्रेशन नंबर से, इस इंजन नंबर, चेसिस नंबर से इस गाड़ी को तैयार करना है। ये गाड़ी यहाँ से लेके मुरादाबाद और उधर काशीपुर की तरफ जाके उसको पूरा चेंज करा के फिर तैयार करा के फिर वापस यहाँ लेके आते थे और फिर यहाँ से गुजरात जाती थी। मतलब और भी गैंग्स हैं जो कनेक्टेड हैं, जो अभी जो पकड़ा गया है जो गुजरात वाले कनेक्शन से, दो लोग हमारे पास हैं जो आज अरेस्ट हुए हैं, दो अभियुक्त और हैं जो गुजरात के हैं, अहमदाबाद के, जो इसमें वांछित हैं। इसके अलावा दिल्ली के कुछ लड़के हैं, मुरादाबाद के कुछ लड़के हैं। टोटल देखिए, मैं अभी अभी जो हम लोगों के संज्ञान में आए हैं 5-6 लड़के अभी हैं जो अभी फरार हैं, और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये अभी लंबी चेन है, और जैसे जैसे जो लड़के बचे हैं इनको जब हम लोग ट्रेस करना शुरू करेंगे तो और भी कई नाम इसमें सामने आएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10 गाड़ियाँ तो वो हैं जो हम ही ने रिकवर की हैं, और इसके अलावा ये कम से कम दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ से चुरा चुके हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ गाड़ियाँ हमने रिकवर कर ली हैं, कुछ जो इनके और लड़के हैं जिनको हम अभी ट्रेस करेंगे उन लोगों के माध्यम से हो सकता है हमें कुछ और सफलता आगे बढ़े। देखिए, उसके क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी जाँच हम लोग अभी कर रहे हैं, और ये क्योंकि वहाँ पर पीजी के तौर पर उसको चलाते थे और अलग अलग रूम्स में अलग अलग जगह के लोग रहते थे, तो अभी हम लोग अभी मैं ये कहूँगा कि इसको अभी हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। उनकी क्या भूमिका थी, क्या उसके संज्ञान में था कि नहीं था, और अगर संज्ञान में नहीं भी था तो क्या जो किराएदारों का वेरिफिकेशन होता है, क्या वेरिफिकेशन उन्होंने कराया था कि नहीं कराया था। क्योंकि इस आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी एक संदेश देना चाहूँगा, और ख़ास तौर से नोएडा जैसे शहर में जो कि NCR का महत्वपूर्ण इलाका है और देश के, न केवल प्रदेश के बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आके यहाँ विभिन्न कार्यों के सिलसिले में रहते हैं, तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी PG संचालक के लिए या किसी भी मकान मालिक के लिए कि वो आपके यहाँ जो भी कोई किराएदार रह रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। अगर नहीं कराते हैं तो ये गलत है, और जैसे मैंने कहा कि अभी उनके रोल की छानबीन की जाएगी। अगर नहीं पुलिस के संज्ञान में लाया और PG संचालित में जो ये कर रहे हैं और कितने लोग वहाँ रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन है कि नहीं है, उस सब को भी हम लोग की टीम जांच में सामने लेके आएंगे। कॉस्ट कितनी होती थी सर, ये कुछ बताएं उन्होंने पूछताछ में कि ये मार्केट में कितने में गाड़ी बेचती? मार्केट में जो सबसे महंगी जो इनकी गाड़ी बिकती थी वो फॉर्चूनर रहती थी, और फॉर्चूनर का रेट इनका 3-4 लाख के बीच में रहता था। वो डिपेंड करता था कि गाड़ी की कंडीशन क्या है, और उसी तरीके से जैसे क्रेटा है तो क्रेटा का उसे थोड़ा कम रेट रहता था, फिर वो गाड़ी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता। बट जो मैक्सिमम रेट जो अभी तक की इंटरोगेशन में सामने है वो मतलब फॉर्चूनर अगर अच्छी कंडीशन में नहीं है तो 4 लाख के आसपास, 4-4.5 लाख के आसपास मैक्सिमम रेट। किस तरीके की मार्केट्स में ये बिकती थी, क्या ये सेकंड हैंड मार्केट्स में बिकती थी, गुजरात में, श्रीनगर में? देखिए, ये जैसे मैंने अभी बताया क्योंकि अभी जो चेन हम लोगों ने डेवलप की है उसमें ये गाड़ियाँ जो कुछ जो ऑलरेडी जा चुकी, बिक चुकी, वो प्रकाश में आए कि गुजरात में जो इलियास नाम का एक व्यक्ति है और उसके पास ये गाड़ियाँ जाती थी। अब वो एक्चुअली सेकंड हैंड गाड़ी के तौर पे बेचता था या कैसे बेचता था इस पे अभी हम लोग फर्दर इन कस्टमर्स के पास जाती थी। मैंने कहा क्योंकि अभी ये गैंग हम लोगों ने वर्कआउट किया है, अब ये गुजरात में जहाँ गाड़ियाँ जाती थी वहाँ हम लोगों की टीम जाएगी, इंटरोगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। आगे अब जो अगली कड़ी में जिनको गाड़ी बिकती थी वो आगे उसको फर्दर किस रेट में बेचते थे और किस तरीके से बेचते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे मैंने बताया कि वहीं से डिटेल्स इनके पास आती थी कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर पर गाड़ी को तैयार करना है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर वगैरह सब इनको बताया जाता था।
तो वो ऑलरेडी वो गाड़ी यानी कि उन लोगों ने कोई ना कोई या तो पुरानी या एक्सीडेंट वाली उनकी नज़र में होती होगी, तो जाहिर सी बात है वो जिस किसी को बेचते होंगे तो वो उसको भी सेकेंड हैंड गाड़ी बता के शायद बेचते हों। हाँ, बट अभी देट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। कितनी गाड़ियाँ कनेक्ट हुई है, कितनी यहाँ से चोरी हुई? नोएडा की अभी जो इसमें से गाड़ी कनेक्ट हुई है वो शायद तीन फॉर्च्यूनर, टोटल सात गाड़ियाँ जो है वो हमारी नोएडा वाली इसमें कनेक्ट हुई है। बाकी तीन गाड़ियों को अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं कि कहाँ से कनेक्ट हुई है। प्रेस के कार्ड और पुलिस कमिश्नर का कार्ड उसका क्या इस्तेमाल? नहीं नहीं, पुलिस कमिश्नर का नहीं, इनके पास से कुछ मीडिया के कार्ड्स और स्टिकर्स बरामद हुए हैं, और इनके पास एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक असिस्टेंट कमिश्नर का कार्ड बरामद हुआ है। तो पूछताछ में ये बात सामने आई कि जब ये लोग गाड़ी लेके निकलते थे तो वो प्रेस वाला कार्ड लगा लिया करते थे ताकि एक आप अंडरस्टूड है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा।